प्रत्याशी युवा नेता श्री प्रथम वर्मा जी से हमारी एक खास मुलाकात हुई और आज हमारे चैनल में इनका बहुत बहुत स्वागत है। वर्मा जी, आप आज चुनाव लड़ रहे हैं और जो आपको बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर प्रथम नमस्कार। देखिए, मैं हमेशा बोलता आया हूँ अभी तक कि मेरा चुनाव मैं नहीं, जनता लड़ रही है और जनता का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है। खासकर आपकी युवाओं में बहुत अच्छी डिमांड है, हम क्षेत्र में जा रहे हैं, युवाओं में आपने जो छवि बनाई है वो आज इसका क्या कारण है? देखिए, मेरा पिछले 7 साल का कार्यकाल है जनपद अध्यक्ष का, तो 7 साल के कार्यकाल से मुझे जनता जनार्दन सब जानती है, मेरी कार्यशैली को सब समझते हैं, उसके अनुरूप मैं काम करता हूँ, तो इसलिए युवाओं से मेरा अच्छा इंटरेक्शन रहा है, तो इसलिए युवा और सभी युवा हो बुजुर्ग हो सब लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं। ये पौड़ी का सबसे बड़ा मुद्दा है सतपुड़ा डैम, इसकी जनता बहुत त्रस्त है और नेताओं ने अभी तक जो प्रेजेंट में विधायक रहे हैं, पूर्व में भी रहे हैं, इन लोगों ने आश्वासन दिया, लेकिन उसका कार्य दिनांक तक नहीं हुआ, जितना भी हो भ्रष्टाचार की भय चला है, आप उसको किस तरीके से लेंगे? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जनता सब समझ रही है और देख रही है, पिछले 10 साल से एक ही मुद्दे के 2 बार उद्घाटन हो गए हैं, तो मतलब इससे आपको समझ में पड़ता है, जनता को समझ में पड़ता है कि घोषणाओं से काम नहीं होता और घोषणाओं से कोई जनता का भला नहीं हो रहा। कुछ नेता ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं और किसानों को धमकी टाइप में दे रहे हैं कि आप बोरों पर जाओगे तो आपके साथ ये होगा, हमने ये बचाव किया और हमको नहीं बनाओगे तो आपके साथ ये घटना होगी, तो आप किसानों के किस तरह से लोगे और किस तरीके से उनकी रक्षा करोगे आप? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आदमी को जब आदमी कुछ नहीं रहता तब ये सब चीजों में बोलना चालू करता है, और मेरे को ऐसा कोई चीज भी मेरे द्वारा या मेरे कानों में ऐसी बात अभी आई नहीं है, और जो बोल रहे हैं उनको जनता जानती है, बहुत अच्छे से समझती है और जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। मेरे जनता से अपील है कि किसी से डरने और दबने की जरूरत नहीं। पौड़ी क्षेत्र के अपने शिवपुरी जिले की सब एक सबसे अच्छी विधानसभा है, इसमें सबसे जातिगत समीकरण बहुत डिफिकल्ट रहता है, इसमें तो आपको उसको कैसे पार करोगे? नहीं, मैंने क्या बोला, मुझे सभी समाज का समर्थन मिल रहा है, कोई भी नेता एक जाति से या समाज से नहीं बनता, सभी लोगों के साथ के संग बनता है, कोई भी प्रत्याशी विधायक तभी बनता है जब उसको सभी समाज का समर्थन रहता है। जाति विशेष अहमियत रखती है, ये नहीं बोल रहा कि नहीं रखती है, पर ऐसा नहीं है कि आपको अन्य समाजों का वो नहीं रहता। सबसे ज्यादा युवा आज बेरोजगार है, थोड़ा आप युवाओं के लिए, आप युवा होते हुए युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं और आप उनको आगे कैसे मदद करके आप कैसे आगे ले जाओगे? देखिए, मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि सबको शिक्षा पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए। मैं अभी जनपद अध्यक्ष रहा हूँ तो मैं हमेशा गांव में भी सब लोगों को यही समझाता हूँ कि आप शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आदमी का संपूर्ण विकास संभव है। ये थे हमारे BSP के कैंडिडेट प्रथम वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।